अच्छा तो यहाँ तक करने के बाद हम हम लोग पता क्या करेंगे हम लोग एम और एम को प्लस कर लेंगे क्या बनेगा एन प्लस एम पावर प्लस करेंगे अब एडिया सब्जेक्टिव होती है ना एल और एल को देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एन माइनस थ्री एम और टी इक्वल्स टू माइनस टू एन अब दोनों साइड्स के पावर्स को करते हैं कंपेयर तो ये क्या बनेगा एल टी माइनस सॉरी सबसे पहले हम देखते हैं कि एन प्लस एम पावर्स कंपेयर करना है एन प्लस एम क्या राइट right साइड पे कोई एन प्लस एम है नहीं है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा ठीक है फिर हम लोग अगली पावर को चेक करते हैं वो क्या है माइनस एन माइनस थ्री एन थ्री एम क्या राइट right साइड पे कुछ है उसके उसमें क्या एल है कोई राइट right साइड पे है और क्या है वो उसकी वैल्यू कुछ ना हो तो वन होता है वन के इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से फिर इसी तरह से टू एन को चेक करो माइनस टू एन क्या यहाँ पे कोई पावर है उससे रिलेटेड यस माइनस वन है कैंसिल हो गया माइनस एन इक्वल्स टू वन ओवर टू एन की वैल्यू क्या आ गई वन बाई टू आ गई अब अगर मैं इसी को यहाँ इसमें पुट कर दूँ एन की वैल्यू को पुट कर दूँ तो एम की वैल्यू भी निकल आएगी तो इसको मैं पुट करती हूँ तो वन बाई टू प्लस एम इक्ल्स टू ज़ीरो एम इक्वल्स टू वन बाई टू एम की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई सॉर्ट आउट हो गई अब आप क्या करें अब हम लोग ना इसको इसी इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं पावर्स को और इसकी फार्मूला बताते हैं बनेगा वी इक्वल्स टू कांस्टेंट पहले क्या था ई e, e पे एन था एन की पावर कितनी आ गई वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय रो रो पे एम था एम की पावर कितनी आ गई माइनस वन बाई टू यानी कि ये यूँ लिखा जाएगा कांस्टेंट वन बाई टू का मतलब होता है स्क्वायर रूट अंडर रूट ई पी के पावर माइनस में थी यानी कि वो डिवाइड में जाएगा तो ये इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है यूँ